अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक छोटा सा LDP और इसमें एक मैग्नेटिक कनेक्टर लगा हुआ है और इस कनेक्टर का काम बताएंगे हम आपको। ये हमने कंट्रोल के लिए आपको बताया MCB लगाया है, ठीक है, ये टेस्ट के लिए। ये इसका तो तकरीबन तमाम इलेक्ट्रिशियन भाइयों को पता है। इसके आगे हमने एक 6 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया, इसके बाद एक 16 का, उसके बाद एक मैग्नेटिक कनेक्टर, उसके बाद फिर 6 का, फिर 16 का, फिर 16 का, फिर एक 32 का मैग्नेटिक कनेक्टर लगाया। ये जो 32 का हमने कनेक्टर लगाया ना, इसमें आपको ज़्यादा आ रही है कि 2 तारें लगी हुई। ये सिर्फ और सिर्फ लाइट प्लग, यानी कि इधर उसको बोलते हैं फ्रिज और हमारे यहाँ बोलते हैं लाइट प्लग, ये उसके लिए, उसके डबल केबलें हैं। इसमें डबल केबलें इसलिए हैं कि हमारी तरफ तो जो भी कमरे में लाइट प्लग लगते हैं उन्हें लूप टू लूप करंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इसको रिंग बोलते हैं, यानी एक तरह से करंट दिया और दूसरे तरफ दूसरे प्रेस को भी करंट दिया, यानी अगर एक तरह से ड्रॉप हो तो दूसरी तरफ से भी चले और दूसरा करंट का बैलेंस रहे। ये AC की तार है, ये जनाबे वाला एक मोटर उसकी तार है और ये तमाम लाइटों की तार है कनेक्शन है। रही बात ये मैग्नेटिक कनेक्टर यहाँ क्यों लगाया और इसका क्या काम है, ये मैग्नेटिक कनेक्टर, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा की कार्ड, ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कमरे में आते हुए की कार्ड यहाँ पर दें, आपकी तमाम कमरे की लाइटें ऑन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही कमरे की लाइटें ऑन होगी, यानी वो की कार्ड चलेगा तो ये मैग्नेटिक कनेक्टर ऑन हो जाएगा। मैग्नेटिक कनेक्टर ऑन होगा तो ये यहाँ से पावर सप्लाई आगे यहाँ पे देगा, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी केबल लगी यहाँ से यहाँ, जैसे ही ऑन होगा यहाँ सारा करंट आएगा। अगर मैग्नेटिक कनेक्टर ऑफ होगा तो पूरा कमरा ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। ये जो ब्रेकर है 6 एम्पीयर का, ये मैग्नेटिक कनेक्टर को ऑन करने के लिए लगाया जाए। ये एक ब्रेकर है जो मैग्नेटिक कनेक्टर से बाहर है, ये एक साकेट के लिए है, जो कि नॉर्मली अगर मैग्नेटिक कनेक्टर ना भी हो तो वहाँ पे करंट हो और उसे यूज़ कर सकें। ये बाकी तमाम कनेक्शन इजीली हैं, ये हमने अर्थ की केबल लगाई हैं, ये न्यूट्रल की हैं, यहाँ पे न्यूट्रल ब्लैक कलर की नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल ब्लू कलर की है, तकरीबन यहाँ पर ब्लैक कलर फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आए तो भी मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।